नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं सबसे लास्ट टैब ऑफ एमएस वर्ड की, सबसे लास्ट टैब जैसे व्यू, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें सबसे पहले की बात करें जो यहां पर ग्रुप दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स व्यू, यहां पर हम अपना डॉक्यूमेंट जो क्रिएट कर चुके हैं उसका व्यू देखना चाहते हैं। किस तरीके से हम देखेंगे, नॉर्मली जो होता है प्रिंट लेआउट दिया होता है, अगर हम इसको चाहें तो फुल स्क्रीन रीडिंग में भी देख सकते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग में कोई एक पेज पूरा पूरा हमें दिखाई पड़ता है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं। वेब लेआउट क्या होता है, जिस तरीके से हमारा वेब पेज दिखाई पड़ता है उस तरीके से वेब लेआउट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वेब पेज क्या होता है, जो भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं और जो भी पेज दिखाई पड़ते हैं उसका लुक का। फिर बात करें आउटलाइन की, तो आउटलाइन होता है नॉर्मली कि अगर हम अल्ट के साथ, मतलब कि अगर इसका टैब के साथ प्रयोग करें तो इसका जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी वर्ड लिख करके हम उसको टैब के साथ और शिफ्ट टैब के साथ बैक कर सकते हैं, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लोज आउटलाइन व्यू। फिर इसके बाद हम बात करें, हम यहाँ पर ड्राफ्ट ड्राफ्ट में बना करके हम कुछ भी सेव करा सकते हैं। नॉर्मली ड्राफ्ट की तरह से होता है फुल स्क्रीन व्यू में। फिर इसके बाद करें रूलर। देखिए रूलर क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली रूलर जिनके थ्रू हम अपने लिखावट का तय करते हैं कि हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। रूलर के थ्रू ये इंडेंट को अगर हम घटाते बढ़ाते हैं तो हमारा लिखना वहाँ से स्टार्ट होता है, और इनको हम चाहें तो इधर इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्ट पेज में हम प्रिंट लेआउट पे आते हैं, तब जरा कायदे से देखते हैं। व्यू में रूलर क्रिएट है, अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेंट को अगर हम इधर बढ़ा देंगे तो हमारा उस तरीके से वर्ड बढ़ जाएगा। फिर हम बात करें ग्रिड लाइंस की, ग्रिड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से लाइनें होती हैं जो पूरे हमारे पेज पर दिखाई पड़ती हैं। डॉक्यूमेंट मैप क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैप जब हम ऑन कर देते हैं तो हमारा जो हम लिख रहे होते हैं वो हमें साइड में भी दिखाई पड़ता है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम जो कुछ करते हैं उसके साइड में हमें छोटा दिखाई पड़ता रहता है, तो डॉक्यूमेंट मैप का काम यही है। और फिर बात करें थंबनेल, थंबनेल क्या होते हैं, हमारा पूरा पेज जो होता है एक छोटे से व्यू में दिखाई पड़ता है। थंबनेल मतलब छोटा होता है, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ की, बड़ी चीज़ की छोटी चीज़। थंबनेल में जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो हमें थंबनेल में भी चेंजेस दिखाई पड़ते हैं बहुत ही बारीक तरीके से। आप देखिए कुछ भी चेंजेस जो बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रही है, तो थंबनेल का भी प्रयोग आप समझ चुके हैं। फिर हम बात करें मैसेज बार, जो यहाँ पर अभी नहीं सो रहा है। जूम में बात करते हैं, जैसे हमको कितना जूम कराना है अपना, यहाँ पर से हम सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट को जूम करा सकते हैं। यहाँ पर और अलग भी जूमिंग सेट कर सकते हैं, 90% है, 100% करा सकते हैं, जैसा भी चाहें आप। फिर 100% पर अगर क्लिक करते हैं तो 100% जूम हो जाता है ऑटोमेटिक, नॉर्मली होना भी चाहिए 100%। वन पेज जो होता है, अगर एक पेज हम क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा पेज एक दिखाई पड़ता है, लेकिन टू पेज अगर हमको चाहिए एक साथ तो हमें टू पेज मिल जाते हैं। अब चूँकि यहाँ पर टू पेज थे ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कोई एक पेज ज़रा इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और हम ज़रा कुछ भी टाइप कर देते हैं, ग्रिड लाइन पहले हमको हटाना चाहिए और यहाँ से हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे। देखिए अभी ये क्या है, छोटा है, हम क्या करते हैं इनको सबको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नया पेज हमको मिल सके। अब टू पेज हो चुके हैं, अब देखते हैं इस पर क्लिक करके, देखिए दो पेज हमारे आमने सामने इस तरीके से हो गए। ठीक, पेज को हम चौड़ाई वाइज देखना चाहें, मतलब कि विद वाइज, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर बात करें न्यू विंडो की, न्यू विंडो क्या होती है, सेम इसी तरह की नई विंडो तैयार हो जाएगी। न्यू विंडो पे जब क्लिक करते हैं तो नया विंडो स्टार्ट हो जाता है, ठीक वही चीज़ जो हम वहाँ कर रहे थे यहाँ भी कर सकते हैं। और इसका एक विशेष प्रयोग है, जैसे कि अरेंज ऑल जब हम क्लिक करते हैं तो दोनों विंडो हमें दिखाई पड़ती हैं, देखिए ऊपर नीचे हैं, और अगर हम किसी एक पे कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें दूसरे पर भी वही चेंजेस मिलते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम ज़रा ऊपर ले आते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, ज़रा देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, देखिए ये यहाँ पर चेंजेस हो रहा होगा, अभी आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ए है, हमने इसमें कुछ बढ़ाया और ये यहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है। तो हम इस तरीके से दोनों ही विंडो पर कुछ भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। एक विंडो को हम कट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अपने फिर से पोजीशन में ले आते हैं, और यहाँ पर अरेंज ऑल पे जब हम क्लिक कर रहे थे तो वो हो गया था। अब स्प्लिट होता है कि एक पेज को बीच से डिवाइड करना, स्प्लिट मतलब अलग करना होता है। यहाँ पर हम जैसे अगर क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ पर है, और ये काम सेम उसकी तरह ही करता है, विंडो की तरह ही। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस करते हैं, ज़रा देखिए तो नीचे भी चेंजेस आएंगे, अगर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो इस तरीके से हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो हम लिख रहे हैं वो नीचे के पेज में भी लिख रहा है, तो स्प्लिट का अच्छा है तरीका। रिमूव स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं,
रिमूव कर देंगे। ठीक, उसके बाद में आता है स्विच विंडो, मतलब कि अगर हम कई सारी विंडो अगर बना रखे हों, जैसे कि मान लें न्यू विंडो, और फिर उसके बाद हम व्यू गए, फिर न्यू विंडो, और इस तरीके से हमने जब एक दो तीन जो हमने बना रखी हैं। स्विच विंडो का होता है मतलब एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना, दूसरी से तीसरी पर जाना, यहाँ से डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम, दूसरे पे आ गए और वन पे आ गए, इस तरीके से हमको दिखाई पड़ता है। सबसे लास्ट ऑप्शन जो बचता है यहाँ पर मैक्रो का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो क्या होता है कि बेसिकली हम कोई ऐसा काम जो बार बार हमें रिपीट कराना हो और उसको हम एक रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, तो वो मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमको कोई चीज़ अगर हमें बार बार लिखनी पड़ जाए, जैसे कि अगर हमें बार बार लिखना हो आई एम ए गुड बॉय, तो हम मैक्रो में जाते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करते हैं, और मैक्रो वन के नाम से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी हम लिखेंगे, और ओके कर देंगे। हमारा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ पर टाइप करते हैं आई एम अ गुड, सॉरी गुड बॉय। ओके, अब ये हमारा जो है मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैक्रो में जाते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं व्यू मैक्रो पे, हमने मैक्रो वन के नाम से इसको रिकॉर्ड किया था। अब हमको जो कि रुक के देखिए ज़रा, हम एक नया पेज ले लेते हैं कंट्रोल एन। अगर हमें इस नए पेज पर भी हमें वही चीज़ इंसर्ट करानी हो तो बड़े आसानी से मैक्रो के थ्रू इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए व्यू में आए और मैक्रो में गए, व्यू मैक्रो, यहाँ पर मैक्रो वन के नाम से है और हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, आया मैं गुड बाय, ऑटोमेटिक टाइप हो गया। तो मैक्रो का बहुत ही अच्छा यूज है इसके थ्रू, और यहाँ पर आपका जो है एमएस वर्ड फिनिश।